कहने वाले भले ही कहे कि इस बार चुनाव में बयार कांग्रेस के पक्ष में बही, लेकिन इस बयार में भी कांग्रेस के बड़े दरख्त ढह गए। सालों से झाबुआ इलाके में अपना एक छत्र राज चला रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया भी इस बार मतदाताओं का मूड समझने में विफल रहे। तभी तो उनके बेटे विक्रांत भूरिया को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और ये करारी शिकस्त दी। नौकरशाह से राजनेता बने बीजेपी के जीएस डामोर ने। डामोर ने डिजियाना न्यूज से खास बातचीत में कहा, क्षेत्र का मतदाता कांग्रेस की नीतियों और भूरिया की कार्यप्रणाली से खासा नाराज था। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही ऐसे तमाम दिग्गज हैं जो अपनों को चुनाव नहीं जिता पाए। कांतिलाल भूरिया भी उन्हीं में से एक हैं। कांतिलाल भूरिया ने अपने बेटे विक्रांत भूरिया को झाबुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस विधानसभा सीट पर फतेह की है बीजेपी के जीएस डामोर साहब ने। डामोर साहब हमारे साथ में, आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आभार आपका। सर, मैंने देखा है कि बीजेपी तमाम सीटों पर कशमकश की स्थिति बनी रही, लेकिन आपने मतलब बहुत सही तरीके से जो सीट निकाली है उसको लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली झाबुआ में कांग्रेस ने कोई कार्य ही नहीं किया है और कांग्रेस के कार्यों से जनता में बहुत नाराजगी थी और हमारा जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है और जागरूक मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखकर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बार बार दावा कर रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था, इसलिए उनके ऊपर वोट पड़ा था, उनको ज्यादा वोट मिले हैं, तो आपके क्षेत्र में ये अलग बदलाव क्यों ऐसे आया सर? एंटी इनकम्बेंसी कांतिलाल भूरिया के विरुद्ध थी और उसका फायदा हमको मिला। जहां तक वोट परसेंटेज बढ़ने का प्रश्न है, नव युवक या हमारे नए मतदाता जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, उसका हमको फायदा मिला। सर, कांतिलाल भूरिया का पूरा जीवन अपने क्षेत्र में गुजर गया सर, तो फिर भी जनता क्यों नाराज रही सर? आपको क्या लगता है, पूरा आपने चुनाव देखा है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का चरित्र जनता को धोखा देने का है और यही कार्य कांतिलाल भूरिया ने किया। अब जनता वहां की समझ चुकी है कि यह पार्टी जनता के साथ छलावा करती है, धोखा करती है, इसलिए कांतिलाल भूरिया को वहां की जनता ने हराया। सर, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र की समस्या जो है, जो मैंने किया है, एक तो स्वास्थ्य को लेकर है, एक शिक्षा को लेकर है और स्वरोजगार को लेकर है, और इन तीनों विषयों पे मैं वहाँ पे काम करने वाला हूँ। सर, आपके क्षेत्र में तमाम पैकेज आए, तमाम बड़े बड़े नेता आए, चाहे किसी भी पार्टी के रहे, उन्होंने क्षेत्र की चिंता की, पैसा भी खूब वहाँ पे खर्च किया गया, लेकिन सर विकास जितना होना चाहिए था उतना क्यों नहीं हो पाया सर? देखिए, विकास में जनता को भागीदार बनाना चाहिए था, वो वहाँ पे हुआ है। वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उस पिछड़े हुए क्षेत्र को कांग्रेस के 50-60 साल के कार्यकाल में जितना कार्य होना था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं हुआ सिवाय लूटमारी के। अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में काम किया, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको गांव-गांव में अच्छी सड़कें मिलेगी, गांव-गांव में आपको तालाब मिलेंगे, पक्के मकान बनना शुरू हो गए, घर घर बिजली पहुंच गई है, ये सब कार्य अब शुरू हो चुके हैं वहाँ पे। सर, आपकी सरकार नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप वहाँ के विधायक हैं, तो सर वहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको आप किस तरह से दूर करवाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा कि सरकार नहीं होने से कुछ तो फर्क पड़ता है, परंतु जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका निराकरण तो हम प्रशासन के साथ और शासन के साथ मिलकर करेंगे। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भले भारतीय जनता पार्टी से हूँ पर अब मैं पूरे क्षेत्र का विधायक हूँ और पूरे क्षेत्र का जनता की सेवा करना और उनकी समस्याओं को दूर करना मेरा पहला कर्तव्य है। सर, आप नौकरशाह रहे हैं, पूरा जीवन आपका नौकरशाही में बीता है, अब सर आप राजनेता बने हैं, इन दोनों में अंतर की बात करें तो सर आपको किसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है और कहाँ इसमें कमी और कहाँ उसमें ठीक था? देखिए, मैंने नौकरशाही में कभी भी अफसर बनने की कोशिश नहीं की, मैं शुरू से ही सेवा करता आया हूँ, सेवा करना ही मेरे मन में भाव था और वही भाव आज भी है और उसी भाव को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ कि जनता की सेवा करना। सर, जैसे आप अपने क्षेत्र की जनता है उससे सतत संपर्क रखने के लिए आपने किस तरह का आइडिया लिया है और किस तरह आप रखेंगे तक क्षेत्र की जनता और आप आपस में जुड़े रहें? देखिए, हमारे क्षेत्र में हाट एक बहुत बड़ा संपर्क करने का स्थान होता है, मार्केट डे, तो यहाँ पर वीकली मार्केट डे होते हैं और मैंने तय किया है कि जहाँ जहाँ मार्केट डे होंगे उस दिन मैं वहीं रहूँगा उस क्षेत्र में और सभी लोग अपने कामकाज के लिए आते हैं और मैं उनसे मिलूँगा, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारे बड़े बड़े कस्बे हैं उनमें मैं अपना डे फिक्स कर दूंगा कि महीने में पर्टिकुलर डेज पे मैं वहाँ रहूँगा और जनता से मिलूँगा। सर, आप नौकरशाह रहे हैं और आप बड़े अधिकारी भी रहे हैं, आपको सब पता है कहाँ पे कैसे काम होता है क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार भले ही बन गई हो लेकिन मंत्री वगैरह आपसे डरेंगे कि आपके क्षेत्र में अगर काम नहीं हो रहा है
तो आप उनको बता सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी कोई आपने स्टडी की है और ऐसे भी कोई आपकी चल रहा है कि इस तरह से हम काम करवाएंगे? देखिए, डरने और डराने का काम तो मैंने कभी किया नहीं। जो काम हम करते हैं वो प्रेम से करते हैं। मैं कांग्रेस की सरकार से भी जो काम करवाऊंगा वो जनता के लिए करवाऊंगा। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उनकी भी जवाबदेही है। और अगर मैंने समस्या उनके सामने लाई और निराकरण नहीं किया तो हम दबाव बना करके, हम आंदोलन करके पर काम करवाएंगे, ये तय है। और सदन में सर किस तरह की भूमिका आप निभाएंगे? सर जैसे आप विपक्ष में हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, सवाल जवाब आप उठाएंगे, आप वो उसकी तैयारी क्या है आप? देखिए, हम विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती से निभाएंगे। पहली बात, कल नए हमारे जो नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहला सबसे बड़ा धोखा किया कि किसानों का कर्जा माफी। 95% किसान उस कर्जा माफी के दायरे में ही नहीं आ रहे हैं। आपने झूठ बोल करके, छलावा करके लोगों से वोट लिए और आपने उनके साथ पहला धोखा कर दिया। तो मध्य प्रदेश की जनता समझ गई कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो धोखा देना है, झूठ बोलना है, ये कल प्रमाणित हो चुका। और ऐसे मुद्दों को हम पकड़कर बहुत तगड़ा विरोध करेंगे और उनको मजबूर कर देंगे सही कार्य करने पर। सर उन्होंने कहा 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ कर रहे हैं, तो इसमें धोखा सर कहां आपको नजर आ रहा है? देखिए, क्या होता है कि 31 मार्च को हर साल कर्जे के वो रिन्यूअल हो जाता है, तो बकाया तो कुछ रहता नहीं है, एक नया हो गया, तो नया कुछ कर्जा होता नहीं है। आपने माफ क्या किया? आप अगर ईमानदार हैं तो आपको 27, आपको अभी ये जो हमारा 28 नवंबर को मतदान हुआ, आप मुख्यमंत्री बने उस दिन तक लेते या 27 नवंबर तक लेते, वो डेट फिक्स करना थी। 31 मार्च की जो डेट फिक्स की, ये तो सिर्फ छलावा है, इसमें लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। 95% लोगों को फायदा नहीं हुआ। और अच्छा, दूसरा, आपने दो बैंक सोसाइटी और वो कोऑपरेटिव बैंक की बात की। अरे भाई, कर्जा तो कर्जा है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, किसी भी बैंक का कर्जा हो, वो सब कर्जे माफ होना थे। आप दो दो बैंकों के आप बात कर रहे हैं। कई लोग, बड़े किसानों ने बड़े कर्जे ले रखे हैं, मतलब बड़े बैंकों से कर्जा ले रखा है, तो आपको वो सब कर्जे माफ करना चाहिए। सरकार ने एक शर्त और लगाई कि इनकम टैक्स पेयर जो किसान होगा और जो नौकरी कर रहा होगा उसका कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, किसान इनकम टैक्स पेयर तो हो ही नहीं सकता, जो कृषि करता है वो कृषि कर रहा है, यहाँ इनकम टैक्स वाली बात कहाँ आ गई? और ये इफ बट अभी इन्होंने शुरू कर दिए, क्योंकि इनके पास न तो विजन है, न समझ है, न सोच है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार आने वाले बहुत समय में औंधे मुंह गिरेगी। सर खजाना खाली है, इन्होंने कहा हम कर्जा माफ कर रहे हैं, तो सर कैसे कर पाएंगे? सर आपको क्या लगता है? खजाना बिल्कुल भरा पूरा खजाना है, बिल्कुल खजाना खाली नहीं है। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है कि हम एक हमारी सीमा है, उस सीमा से अधिक व्यय कर ही नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे पास बजट है, वो बजट हर कार्य के लिए बजट का प्रावधान है, बजट के लिए पर्याप्त प्रावधान है। तो बजट का प्रावधान तब होता है जब हमारे पास पैसा होता है, तभी प्रावधान कर सकते हैं। तो ये जो कहना है कि खजाना खाली है, ये जनता को फिर झूठ बोल के भ्रमित करने का एक प्रयास है। सर हम आपकी बात करें तो आप अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कितना समर्पण भाव से काम करेंगे? मैंने वहाँ की जनता को विनम्र निवेदन किया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा करने आया हूँ और सेवा ही करूँगा। मैं आपकी हर प्रकार की सेवा करूँगा, रात में, दिन में, 24 घंटे में वहीं रहूँगा, उन लोगों के बीच में ही रहूँगा। और मैंने, जैसा कि आपने बोला है कि मैं पहले नौकरशाह रहा हूँ, तो मैं ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ, इसलिए मेरे मन में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के और हमारे ज़िले के गरीब भाई हैं, गरीब भाई बहन हैं, उनकी मैं भरपूर मदद करूंगा और उनको भी सक्षम बनाऊंगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थे जीएस डामोर, जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना, क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए क्या क्या हो सकता है वो पूरे समर्पण के भाव से करेंगे। कैमरामैन उमाकांत व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज़, भोपाल।